दोस्तों, टीवी जगत में बहुत सारी अभिनेत्रियां अपने शोज के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती हैं, जहां ये अपने लवर को और बॉयफ्रेंड को लेकर अक्सर विवादों में रहती हैं, जिसके चलते कभी कभी तो इनका करियर डाउन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी की 10 अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बेइंतहा प्यार से धोखा खाया, जिसके चलते ये एक बार को बर्बाद होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 10 अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जो एक समय में प्यार में पड़कर बुरी तरह से धोखा खा चुकी हैं। इसी के चलते ये आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं बैड रिलेशनशिप और बैड बॉयफ्रेंड के चलते कोसती हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं उन टॉप 10 अभिनेत्रियों से। नंबर 1, महिमा मकवाना। सपने सुहाने लड़कपन के से फेमस हुई अभिनेत्री महिमा मकवाना अपने को एक्टर अंकित गेरा के साथ 2 साल तक रिलेशनशिप में रही, लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि अंकित गेरा इनके साथ 2 और अभिनेत्रियों को डेट कर रहे हैं, जिसके चलते महिमा ने अंकित से दूरियां बना ली और आज भी इन्हें गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने का पछतावा होता है। नंबर 2, अनीता हसनंदानी। काव्यांजलि सीरियल से एजाज खान के साथ प्यार में पड़ने वाली अनीता हसनंदानी तो उनसे 2 साल तक रिलेशनशिप रखने के बाद लंदन में एंगेजमेंट कर चुकी थी, मगर जब इन्हें पता चला कि एजाज इनके साथ सिंगर नताली और एक्ट्रेस निधि कश्यप को डेट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस धोखे के चलते एजाज से साल 2010 में रिश्ता तोड़ लिया और फिर इन्होंने सीधे बिजनेसमैन रोहित रेड्डी से शादी करके घर बसा लिया। नंबर 3, सुरभी ज्योति। सुरभी ज्योति ने अपने सीरियल कबूल है के सह कलाकार वरुण तुर्की से कुछ महीनों तक चक्कर चलाया, मगर वरुण ने सिर्फ इनके साथ टाइम पास किया, जिसके चलते सुरभी ज्योति को काफी तकलीफ हुई और उनसे ब्रेकअप हो जाने के बाद आज तक सुरभी ज्योति ने किसी और से अपना दिल नहीं लगाया। नंबर 4, जेनिफर विंगेट। ये बात तो पूरी इंडस्ट्री को पता है कि जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर आपस में कितना प्यार करते थे, जिसके चलते इन्होंने एक दूसरे से शादी की, मगर जेनिफर विंगेट को दिल का दर्द उस वक्त हुआ जब करण ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ बिपाशा बासु से शादी करने के लिए तलाक दे दिया, जिसके चलते ये आज भी अपनी लाइफ को बिना किसी जीवन साथी के गुजार रही हैं। नंबर 5, कांचे सिंह। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऑन स्क्रीन भाई बहन बनने वाले एक्टर रोहन मेहरा और कांचे सिंह असल जिंदगी में एक रियल लाइफ कपल थे, जिन्होंने 5 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी करने का प्लान बनाया, मगर कांचे सिंह की जरा सी बात पर रोहन इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने इनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। पर कांचे सिंह जब इनसे अलग हुई तो ये काफी दर्द और तकलीफ में रही, लेकिन अभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। नंबर 6, अंजुम फकी। टीवी जगत की सृष्टि यानी की अभिनेत्री अंजुम फकी भी इस लिस्ट में है, जिन्होंने आज से 2 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड आरजे एक्टर केतन सिंह से ब्रेकअप किया। जी हाँ, इन दोनों के ब्रेकअप का कारण इनकी आपसी तालमेल को ना बैठना था, जिसके चलते अंजुम ने केतन से ब्रेकअप करके अपनी लाइफ को बिना डिप्रेशन के साथ गुजारने की जगह हंसी खुशी गुजारने का फैसला किया। नंबर 7, कृतिका सिंगर। अभिनेत्री कृतिका सिंगर का नाम तो इस लिस्ट में होना जरूरी है, जिन्होंने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से प्यार में बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ, ये राजीव सेन को लगातार 7 सालों तक डेट कर रही थी, जिसके साथ राजीव ने इनसे अपना रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो और दूसरी मॉडल्स के साथ लव अफेयर में थे। साथ ही वो कृतिका सिंगर से शादी करके अपनी जवानी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृतिका को धोखा दिया और जब कृतिका ने राजीव से धोखा खाया तो ये पूरी तरह से टूट गयी। ये बहुत रोई और चिल्लाई भी, मगर राजीव ने इनकी एक न मानी और इनसे कुछ सालों बाद कृतिका ने सीधे निकेतन धीर से अरेंज मैरिज कर ली। नंबर 8, दिव्यांका त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी का नाम भी है, जिन्होंने सीरियल बनू में तेरी दुल्हन के कलाकार शरद मल्होत्रा को पूरे 8 साल तक अपना बॉयफ्रेंड बनाया, मगर जब दिव्यांका ने उनसे शादी के लिए कहा तो शरद ने सारे प्यार मोहब्बत को भूल कर इनसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो उस समय फिल्मों की दुनिया में धमाल मचाना चाहते थे। हालांकि दिव्यांका का ब्रेकअप के बाद बहुत बुरा हाल था, मगर इन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल ही लिया। नंबर 9, देवोलीना भट्टाचार्य। विशाल सिंह से देवोलीना भट्टाचार्य ने सीरियल साथ निभाना साथिया में उन्हें अपना दिल दिया, जहां पर इन दोनों ने पूरे 3 साल तक एक दूसरे के साथ खूब प्यार मोहब्बत की, मगर विशाल सिंह ने सिर्फ एक छोटी सी बात और सेट की लड़ाई के चलते देवोलीना के पक्ष को जाने बगैर इनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, तुरंत ब्रेकअप भी कर लिया।
भले ही देवोलीना की कोई गलती ना हो, फिर भी इन्होंने विशाल को कोई सफाई नहीं दी और चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। मगर इन्हें आज भी इस बात का दर्द होता है कि विशाल ने इन्हें एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। नंबर 10, रूपल त्यागी। जी हाँ, अभिनेत्री रूपल त्यागी ने तो प्यार में इतना बड़ा धोखा खाया कि किसी अभिनेत्री ने न खाया हो, लेकिन इनके बॉयफ्रेंड अंकित गेरा से जब ये सीरियसली प्यार करने लगी, तभी इन्हें पता चला कि अंकित का अभिनेत्री महिमा मकवाना और अदा खान से भी सीरियस अफेयर है, जिसे जाने के बाद ये बेहद टूट गईं। उन्हें उस वक्त ऐसा लगा कि किसी ने इनके पीठ में छुरा भोंक दिया हो। इतना बड़ा विश्वासघात इनके साथ हुआ कि इन्होंने पूरे एक साल तक किसी से बात नहीं की, मगर बाद में ये धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की ब्रेकअप स्टोरी पहले से पता थी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।